अब बल्ब है ना, कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज, और लगा लो ये बल्ब है और ये कैपेसिटर है, टू एन एसी सोर्स। तो मैंने देखो एसी सोर्स ऐसे बना दिया साइनोसॉइडल वेव की तरह, ये कैपेसिटर और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स गिव रीजन। देखिए ये बल्ब के साथ एक लोड लगाया है, लोड मतलब एनीथिंग विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट, दैट इज कैपेसिटर इंडक्टर एंड रेजिस्टर तो है ही। तो अगर हम कैपेसिटर की ऑब्स्ट्रक्शन देखें जिसको रिएक्टेंस भी बोला जाता है, तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, वन बाय ओमेगा सी। उसकी रिएक्टेंस जैसे रेजिस्टर के आपने यूनिट 2 में पढ़ी है करंट, वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाएगा तो रिएक्टेंस घटेगी। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है तो रिएक्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ एसी डिक्रीजेस, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा तो करंट अच्छा होगा सर्किट में और ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एंड हेंस करंट इन सर्किट इंक्रीजेस, इन सर्किट इंक्रीजेस ड्यू टू विच ब्राइटनेस इंक्रीजेस। ऐसे आंसर निकालना है। जैसे आपका रिएक्ट अगर इंडक्टर लगाओ तो इंडक्टर में ऐसे होता है ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, उसमें बढ़ाने पर एल एक्सएल घटेगा और ब्राइटनेस कम हो जाती है।